पुराना समय में हमारे जितने भी एसोसिएट टॉपर है उसके पास डिस्ट्रैक्शन बोल के कोई चीज नहीं था। सिंपल सा नोकिया का फोन था, साला केवल बात करते थे, काम करते थे, आते थे, सोते थे, फिर सुबह भागते थे। अभी क्या होता है, उठते हैं, सोशल मीडिया में दे रहते हैं, फिर काम एक घंटे बाद स्टार्ट करते हैं, कहीं फॉलोअप में गए फिर भी चांस मिला तो चांस मार के फिर देखते हैं, फिर दूसरा फॉलोअप गए उससे पहले भी देखते हैं। जब तक कोई हमारा साथी जो गया साथ में बात करने के लिए वो बात करता तब तक हम फिर बाहर में फोन को देखते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर फोन को देखते देखते हम अगर बाइक में या स्कूटी में बैठ रहे उससे पहले भी देखते हैं, फिर ऑफिस में पहुंचे ऑफिस में बैठ के सीट में फिर मोबाइल स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। ऐसे करते करते एक दिन में बोला जाता है कि जितनी हमारे दिल की धड़कने बजती है ना, लोग एक बार में 64 बार, ये मेरा आकलन नहीं है, 64 टाइम मोबाइल को उठाता और रखता है 24 घंटे में। हेलो, सुन लीजिए, पहले सोने से एक घंटा पहले या कम से कम आधा घंटा पहले मोबाइल में कुछ नहीं देखना। क्या प्रण ले सकते हो? Yes, ये मैं नहीं कहता हूं, ये अक्षय कुमार जी का कहना लगेगा कि फेसबुक का मालिक काम करते समय घड़ी नहीं देखता। अभी अनंत अंबानी और उसकी वो लोग वाइफ आपस में बात कर रहा था, उसको घड़ी पसंद ही नहीं, काम करता है। तो हमारे लीडर के पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, इसलिए वो क्राउन है, प्रिंस है, डायमंड है। आपके पास डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए आप सुपर स्मार्ट सिल्वर गोल्ड में खत्म हो जा रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन की चीजों को खत्म कीजिए। दूसरी बात, कॉम्पिटिशन वाला भावना अबाउट लेवल, लेवल को लेकर कॉम्पिटिशन वाला भावना आपको अपने अंदर पैदा करना। जो लोग कई लोग लुलु पुछू करते हो ना, बचो उससे, वो आपका दिन भी खराब कर रहा है, समय भी खराब कर रहा है। तब का काम करने का तरीका और अब का काम करने का तरीका में थोड़ा सा अंतर हो गया। क्या ऐसा, कई लोग पूछते कि भैया आप लोगों ने ऐसा क्या ऐसा जादू किया था जो इतने सारे लखपति करोड़पति तैयार हो गए, हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे, रीजन क्या है, कारण क्या है? तो आज उस सवाल का जवाब मैं थोड़ा अच्छे तरीके से समझाने की चेष्टा करता हूं कि तब के लोग क्या करते थे, अब के लोग क्या करते हैं, जो अब के लोग उतना सफल नहीं हो पा रहे। पुराने जितने भी लोगों को देखोगे एक अच्छा और एक बेहतरीन लाइफ को लीड कर रहे हैं। आप 2, 4, 5, 10 डीडी में घूम के क्यों रह जा रहे हो? आप बहुत अच्छा लेवल क्यों नहीं कर पा रहे हो, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम पर, ये आसपास में क्यों रह जा रहे हो, उसके ऊपर क्यों नहीं जा रहे हो? देर आर टू रीजन, दो कारण। पहला बात कि जो पुराने लोग थे, जितने भी आप टॉप लीडर को देखते हो मैप में या जो हमारे नए लोग हैं उनको समझाने की चेष्टा करता हूं कि पहली बात तो है, डिफरेंसेस बाद में बताऊंगा, समानताएं ये है कि आप ही लोग की उम्र में उन लोगों ने भी स्टार्टअप किया था। मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे एज ए स्टूडेंट आपने स्टार्ट किया था, तो मेरे टीम के जितने भी लोग थे सब एज ए स्टूडेंट ही स्टार्ट किए थे। किसी ने ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा नौकरी या फॉर्म में, सुजय दा के जैसा या फिर और भी बहुत सारे बंदे हैं उनके जैसा नहीं था, कोई बैंक में काम करने वाला भौमिक दा के जैसा, ऐसा नहीं था। सारे मेरे टीम में जितने भी लोग हैं ऑल आर स्टूडेंट, ऑल आर नॉट ए टॉपर, कोई टॉपर नहीं था। समझ में आ रहा मेरी बात? सब एवरेज स्टूडेंट थे, सब 60%, 50%, 70% इसी एवरेज के स्टूडेंट थे सारे लोग, जितने भी मेरे टीम के टॉप लीडर को आप देखते हो। अब उसमें और आप में क्या अंतर है, जो मैंने नोटिस किया है पिछले कुछ दिनों में कि उस समय डिस्ट्रैक्शन कम था, अभी साला ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस मतलब क्या, डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस मतलब सोशल मीडिया का जमाना कम था, मतलब था ही नहीं। हम लोग को सीधा सपट्टा दिन भर काम करते थे, दिन भर काम करने के बाद रात में सोते थे और सुबह उठ के फिर काम करते थे। समझ में आ रहा है? आज क्या करते हो, सुबह उठते हो सोशल मीडिया में, फॉलोअप में अगर 5 मिनट का समय है तो भी मोबाइल में। हेलो, डिस्ट्रैक्शन, दिमाग को आपको डायरेक्ट करने वाला समय। आज के तारीख में लोग क्यों नहीं सफल हो पाते हैं? आपने कुछ ऐसा वीडियो, फालतू वीडियो देख लिया,
या कोई ऐसा एनर्जेटिक कुछ इस टाइप का वीडियो आपने देख लिया जो हमेशा याद रखिएगा, एक वीडियो आपको मोटिवेट कर सकता है, एक वीडियो आपको डेमोरलाइज कर सकता है, एक वीडियो आपका मन किचकिच कर सकता है, एक वीडियो ऐसा है, मतलब कहने का मतलब वीडियो आपका मन से खेलता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? पहली बात तो मैं हमेशा जो डिस्ट्रैक्शन के बारे में बोल रहा हूं, सोशल मीडिया एक टाइम स्लॉट आप सिलेक्ट करो कि इसी टाइम में मेरे को देखना है। आप यकीन करोगे, मैं कसम खा के बोलता हूं, मैं सोशल मीडिया में अगर कोई वीडियो डालता भी होना है उसको दोबारा खुद भी नहीं देखता हूं। धीरे धीरे करके मैं कुछ समय अपने आप को मानता हूं कि कुछ समय पहले तक मैं बहुत ज्यादा इसका आदि हो गया था। मैं दूसरे के बारे में क्या बोलूंगा, वही वाली कहानी हो जाती है ना कि महात्मा गांधी के पास एक बच्चे को लेकर उसके फादर गए कि मेरे बच्चे बहुत गुड़ खाता है, तो उसके महात्मा गांधी ने बोला एक हफ्ते बाद आना, फिर उसके पापा एक हफ्ते बाद गए, उन्होंने बोला एक हफ्ते बाद फिर आना, फिर उसके पिताजी अपने बच्चे के साथ में लेके गया तो बोला एक हफ्ते बाद आना, फिर तीसरा हफ्ता में महात्मा गांधी जी ने उस बच्चे को बोला बेटा गुड़ कम खाओ, ज्यादा खाने से तुमको प्रॉब्लम हो सकता है। तो महात्मा गांधी से उसके फादर, उस बच्चे के फादर ने पूछा कि ये तो आप एक हफ्ता पहले ही बोल सकते थे या पहला ही दिन आप ये बात बोल सकते थे? तो उन्होंने बोला कि मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं खुद गुड़ ज्यादा खाता था, और मैं दूसरे के बारे में नहीं बोलूंगा, मैंने भी देखा कि अभी जो जमाना आ गया ना, सोशल मीडिया हम लोगों के ऊपर टोटली हावी हो गया। क्या हो गया है? टोटली हावी हो गया है, मतलब हर दो मिनट समय मिलता है ना, बाथरूम में भी अगर समय मिले बैठा हुआ है तो भी लोग कुछ देखता रहता है। साला बाथरूम में कई लोगों का पेट का प्रॉब्लम हो रहा है, कई लोगों का माइंड का प्रॉब्लम हो रहा है, कई लोगों का कई तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। ये आपको इतना डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है कि मैं क्या बताऊं। पुराना समय में हमारे जितने भी एसोसिएट टॉपर है उसके पास डिस्ट्रैक्शन बोलकर कोई चीज नहीं था, सिंपल सा नोकिया का फोन था, साला केवल बात करते थे, काम करते थे, आते थे, सोते थे, फिर सुबह भागते थे। अभी क्या होता है, उठते हैं सोशल मीडिया में दे रहते हैं, फिर काम एक घंटे बाद स्टार्ट करते हैं, कहीं फॉलोअप में गए फिर भी चांस मिला तो चांस मार के फिर देखते हैं, फिर दूसरा फॉलोअप गए उससे पहले भी देखते हैं, जब तक कोई हमारा साथी जो गया साथ में बात करने के लिए वो बात करता तब तक हम फिर बाहर में फोन को देखते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर फोन को देखते देखते हम अगर बाइक में या स्कूटी में बैठ रहे उससे पहले भी देखते हैं, फिर ऑफिस में पहुंचे ऑफिस में बैठ कर सीट में फिर मोबाइल स्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं। ऐसे करते करते एक दिन में बोला जाता है कि जितनी हमारे दिल की धड़कने बचती है ना, लोग एक बार में 64 बार, ये मेरा आकलन नहीं है, 64 टाइम मोबाइल को उठाता और रखता है 24 घंटे में। कम से कम वो स्क्रीन टाइम आपका 64 टाइम मोर देन होता है। इसको जितना रिड्यूस करोगे आप उतने ही ज्यादा सफलता पाओगे। उस समय डिस्ट्रैक्शन नहीं था, आज डिस्ट्रैक्शन है, रील्स का जमाना आ गया, सोशल मीडिया। अरे उसको एक समय बांध दिया, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं क्योंकि इस मुद्दे को लेकर मैं बहुत पहले भी बताया था, आज मैं इसको शॉर्टकट में बता दे रहा हूं कि मेरे लीडर के पास डिस्ट्रैक्शन नहीं था, आप लोगों के पास है, तो आपको इसका सामना करना पड़ेगा। ये समस्या पर इसको हमको क्या करना है, अवसर के रूप में चेंज करना है। क्या करना है? अवसर के रूप में। एक समय का टाइम बांध लिया कि सुबह में मुझे आधी घंटा देखना है, मैं आपको देखने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, दोपहर में आधी घंटा देखना है और रात में आधा घंटा कुछ पॉजिटिव चीज देखकर सो जाएंगे। आज आप यकीन नहीं करोगे, एक सर्वे बता रहा था कि एक सर्वे के हिसाब से आज मैक्सिमम इंडियन पीपल 1 बजे से पहले मतलब सोता ही नहीं, 1 बज जाता है, कई कई लोगों को 2 बज जा रहा है, नींद का प्रॉब्लम आ रहा है कई लोगों को। जब आपका माइंड आपका नींद ही सही नहीं रहेगा आप उस जोश उस क्रोश के साथ फॉलोअप ही नहीं कर पाओगे। मतलब मोबाइल आपके हाथ में नहीं है, हाफ मोबाइल के हाथ में हो, पूरा कंट्रोल कर लिया है। और आने वाला समय में जो स्थिति उत्पन्न होगा ना भाई साहब, एआई का जमाना और आ रहा है, गुलाम हो जाएगा लोग मोबाइल का, तो कई लोग गुलाम हो ही गए हैं,
मोबाइल का गुलाम कई लोग, मैं आपको बता दे रहा हूं ना, जरूरत पड़े तो कभी कभी ना आप, मेरे हिसाब से आज मैं कई ऐसे बिजनेसमैन को देखता हूं, कीपैड का फोन रखता है, कौन रखता है कीपैड। अभी मैं गया था, मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है उसके मालिक से मैं मिलने गया था, उनके पास आईफोन भी था और उनके पास एक कीपैड का फोन था। क्या था? कीपैड का फोन। बोला मैं इसको इंपॉर्टेंट चीज के लिए रखा हूं आईफोन को, और मैक्सिमम मैं कॉलिंग, आप मानो या ना मानो, आप कॉलिंग अगर हिस्ट्री देखोगे ना तो कॉलिंग हिस्ट्री में एक महीना में भी आप मुश्किल से 20-25 लोगों से भी बात नहीं करते होंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर आपके पास कीपैड का फोन है, देखिए उसमें ज्यादा बातचीत होता है। अगर रेदर देन आप पुराना समय अगर याद कीजिए, जब आपके पास कीपैड का फोन हुआ करता था उसमें ज्यादा लोग बातचीत करते थे। समझ में आ रहा है? कानों का काम ज्यादा होता था, अभी आंखों का काम ज्यादा होता है। तो पहली बात, मेरे टीम के लीडर के सामने ये डिस्ट्रैक्शन नहीं था, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन इसमें भी अवसर निकाल लिया आप। मेरी बात समझ में आ रहा है? प्लीज इसको मिनिमाइज करो। क्या करो? इसको एकदम मिनिमाइज करो, ये आपको एकदम ले डूबेगा, आप मानो या ना मानो, इसको ये आपको पूरी तरीके से ले डूबेगा। आज नहीं, आज आपका नहीं बढ़ने के पीछे ये भी एक कारण है, आप टॉप लेवल पे नहीं जा पा रहे हो इसका भी ये कारण है। आज क्यों केवल पुराने लोग प्रिंस लेवल पे जा रहे हैं? एक भी नया बंदा को दिखा दो जो प्रिंस में जाए, एक भी नया एसोसिएट को दिखा दो जो डायमंड में चला गया, क्यों नहीं जा पाता है? डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। हेलो, समझ में आ रहा है मेरी बात? ये पहली बात। दूसरी बात, जब अपने लोग काम करते थे स्मार्ट वैल्यू में, तो मैं रियली बता रहा हूं, हम लोगों का एक लगाव होता था, एक कंपटीशन वाली भावना रहती थी कि नहीं, अगर ये टीम, ये ग्रुप अगर इस लेवल पे चला गया है तो हमको भी इस लेवल पे जाना है। हम लोगों को लेवल को लेकर भूख रहता था। आज तो लेवल में बोनस आ गया, लेवल में फॉरेन ट्रिप आ गया, साला तो भी भूख नहीं है। हम लोगों के समय ना तो लेवल में बोनस था, ना तो लेवल में फॉरेन ट्रिप था, लेकिन एक दिमाग में सवार रहता था कि हमको भैया स्टेज में जाना है। किसमें जाना है? मैं कसम खा के बोलता हूं, हम लोगों के समय में कोई लेवल में बोनस ही था ही नहीं। लेवल में हम लोग 2009 तक अगर मैं बात करूं, 2009 से पहले तक की बात करूं, तो बहुत ज्यादा कुछ बोनस था ही नहीं। फॉरेन ट्रिप तो छोड़ ही दो, फिर भी हम लोगों को लगता था कि यार मेरा अपलाइन एक बार मेरा लेवल जान जाएगा ना, कंपनी वाला के सामने मेरा लेवल आ जाएगा ना, तो उसकी एक वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये सच बात है कि लेवल आने से एक वैल्यू बढ़ता है। मनी एक अलग चीज है, पैसा एक अलग चीज है, लेकिन आपका लेवल जब आ जाएगा ना उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। आप जिस समय प्लैटिनम बन जाओगे, पर्ल बन जाओगे, रूबी बन जाओगे, सफायर एमरल्ड डायमंड बन, आप बनिए तो एक बार लेवल में, देखिए आपकी इज्जत कितनी होती है, एक अलग लेवल की इज्जत होगी। आज तो साला इज्जत के साथ में पैसा भी मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो हम लोगों के समय में, मतलब मेरे पुराने लीडर के समय में कंपटीशन रहता था, कंपटीशन रहता था। मुझे अभी भी याद है, एक लीडर था, आप लोगों ने शिवानंद भैया का नाम सुना होगा। एक लेबर था, स्टार लेबर, यही रांची में प्रोग्राम होने वाला था। दीपक, अश्विनी, ये दो लीडर स्टार बन गए थे। क्या बन गया था? स्टार बन गया था। और वो बंदा एक नया नया इंडिका गाड़ी लिया था, वो वहां हजारीबाग से रांची के लिए निकला। और रिकॉग्निशन प्रोग्राम हमारा रांची, ये जो क्या बोल सकते हैं, यहीं पे रांची क्लब में था, इसी जैसे आप बाहर निकलोगे अपोजिट में जहां पर राज स्वीट है, 2006 में। हमको अभी भी याद है, वो बंदा का 100 डीडी घट रहा था स्टार में, 100 डीडी के आसपास ही होगा, कुछ 90 या कुछ ऐसे डीडी था। उसको केवल एक बात बोले कि तुमको तो स्टार का पिन मिलेगा नहीं, तुमको यहां पे दीपक भैया और ये बन गया है, क्या नाम है, अश्विनी बन गया है तुमको, उसके बाद वाला में चढ़ाया जाएगा, दो ही लोग हैं, वो लोग को सेकंड लास्ट में चढ़ाया जाएगा।
और अकेले और इंडिविजुअल आ रहे हैं, कंपनी का ये बंदा आ रहा है, कसम खा के बोलता हूं उस लड़के ने रांची पहुंचते पहुंचते तक, मतलब कहां से कैसे उसके टीम ने किया, पर्सनल डीडी दिया, क्या दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहुंचते ही हम मेरे पास आकर बोला भैया मेरा डीडी कंप्लीट हो गया। हम बोले तुम झूठ बोल रहे हो, कैसे हो गया? बोला भैया बहुत सारे डीडी हाफ थे, बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की, और भैया आपको मैं आज शाम को अगर मैं जमा नहीं कराऊंगा तो मेरे को बोलिएगा। और वाकई उस बंदे पे इतना भरोसा था कि वो कर सकता था। उस बंदे ने केवल स्टार अचीवर का इसी उसमें इंडिका गाड़ी लेकर आया था 2006 का बाद जो प्रकाश बोल रहा है, स्टार में वो बंदा चढ़ा था। मतलब उसको लेबन को लेकर कितना प्यार था, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मेरे टीम के सामने क्या इज्जत बनेगा, मेरे ग्रो लाइन क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कंपनी के सामने मुझे ये लेबल बन के जाना है। तो पुराने समय के एसोसिएट के सामने लेबल का भूख रहता था, क्या रहता था, लेबल की भूख रहती थी। आज के तारीख में वो भूख खत्म हो गया, बने तो ठीक है, नहीं बने तो कोई बात नहीं। देखिए कई कई ऐसे लोग हैं जो सिल्वर में अटके पड़े हुए हैं, आज से अटके पड़े नहीं है, कई लोग सुपर स्मार्ट में अटके पड़े हुए हैं, 6 डीडी 8 डीडी के लिए अटके पड़े हुए हैं, कई लोग गोल्ड में अटके पड़े हुए हैं, कई लोग प्लैटिनम में अटके पड़े हुए हैं। ऐसे नहीं चलेगा, मोहब्बत करना होगा लेबल से। अरे आप तो खुशनसीब हो कि लेबल के साथ साला बोनस भी है। हम लोग लेबल कुछ भी कर लेते थे, क्राउन बन जाते थे, डबल क्राउन भी बन जाते थे, तो भी कंपनी का केवल एक पेन मिलता था, कंपनी का माउंट ब्लैंक का ओनली पेन मिलता था, ना फॉरेन ट्रिप ना कुछ, तो भी प्यार रहता था लेबल को लेकर। डिस्ट्रैक्शन खत्म कीजिए, लेबल से प्यार कीजिए, देखिए वो लेबल आपका होगा ही होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई माइकल लाल उस लेबल को आपको रोक नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम लोग ना एक काम का पीछे जो पागलपंती हम लोग का रहता था, आप यकीन नहीं करोगे, जो अरविंद भैया बोलते थे ना, सही बात बोलते थे, हम लोग 12 से 14 घंटा काम पे बिजी रहते थे। सोशल मीडिया बोल के कुछ था ही नहीं, सोशल मीडिया है। आज के तारीख में लोग अगर 12 घंटा काम करने के लिए या 14 घंटा काम करने के लिए निकलेगा ना, तो 7 घंटा सोशल मीडिया उसका खा जाएगा, ये खा जाता है। हमारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, हमारे पास कोई डिस्ट्रक्शन नहीं था, हम प्योर का प्योर बोलते ना, प्योर मिल्क, तो हम लोग प्योर काम करते थे पूरा 14 घंटा। डीडी बने ना बने उसे कोई लेना देना नहीं, फॉलोअप में निकल गया तो 10 लोगों को बढ़िया से एकदम फॉलोअप करना है, इनविटेशन में निकल गया तो 10 लोगों को बढ़िया से इनविटेशन करना है, और वो जोश वो जुनून वो जज्बा के साथ काम करते थे कि वो होता ही होता था। अभी मैं इनविटेशन में बात करूंगा आपके सामने, समझ में आ रहा है? हेलो, yes, तो काम करने जब निकलो, जो काम करने निकलो वही काम करो। हम निकले हैं, सपोज यहां से हमें निकलना है रेलवे स्टेशन, और मन में कुछ डिस्ट्रैक्शन वाला चीज बीच में आया तो हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बहुत सारा चीज चलता रहेगा बीच में, हमको हमारा फोकस क्या है, रेलवे स्टेशन, तो हम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। हम सुबह निकले हैं इन्विटेशन के लिए तो साला केवल इन्विटेशन करेंगे, मोबाइल मेरे जेब में रहेगा। आज से एक प्रण लो, आप लोग हाथ खड़ा करो तो प्रण ले सकते हो, यस yes! कि दिन में, सुन लो मेरी बात, दिन में अगर एक बार काम करने के लिए निकल गए, हेलो yes! दिन में काम करने के लिए निकल गए तो केवल फोन रिसीव करेंगे या तो कॉल करेंगे, उसके सिवा मोबाइल में कुछ नहीं देखेंगे। हेलो yes! साला व्हाट्सएप पे मत देखो, व्हाट्सएप और डिस्ट्रैक्ट करता है, और व्हाट्सएप में जो लोग कई लोग नुलू पुचू करते हो ना, बचो उससे, वो आपका दिन भी खराब कर रहा है, समय भी खराब कर रहा है, समझ में आ रहा है? yes, sir. कसम खा कि एक बार अगर निकल के जो भी देखना है 6 बजे से पहले अगर मुझे को देखना है तो 5-10 मिनट थोड़ा सा रिवाइज क्या क्या हो रहा है देख लिया, ठीक है? हेलो yes, yes, समझ में आ रहा है? Yes, फॉलोअप में या इनविटेशन में करने से पहले 10-15 मिनट देख लिए, और एक बार निकल गए तो शाम को सीधे स्क्रीन में देखेंगे क्या क्या है, समझ में आ रहा है? हेलो yes, 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 और एक बात का और फ्रंट लीजिए आप लोग, कि सोने से, हेलो सुन लीजिए पहले,
सोने से एक घंटा पहले या कम से कम आधा घंटा पहले मोबाइल में कुछ नहीं देखना। क्या प्रण ले सकते हो? Yes, ये मैं नहीं कहता हूं, ये अक्षय कुमार जी का कहना है। अभी उनका बहुत अच्छा मैंने इंटरव्यू सुन रहा था, उनका कहना कि सोने से आधे घंटा पहले, जब अगर सपोज आप बेड में जा रहे हो, उससे आधा घंटा पहले स्क्रीन, हाँ कॉल आ रहा है ऑफलाइन का, सीनियर का बात हो रहा है, तो आप जूम मीटिंग हो रहा है, जूम मीटिंग करने के बाद आप मोबाइल को रख दीजिए, या जूम मीटिंग के बाद अगर 5 मिनट स्क्रॉल करना, 5 मिनट कुछ भी देखना देख लीजिए, लेकिन इतना मत घुस जाओ कि वो 5 मिनट आपका 5 घंटा हो जाए। देखो कुछ तो जिंदगी में एथिक्स लाना पड़ेगा ना यार। आज जो जो लोग प्रिंस बना, जो लोग क्राउन बना, जो लोग दुनिया भर का पैसा कमा रहा है, कुछ तो एथिक्स रखा होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? एक बार पैसा कमा लो यार, बैंक में एक बार 50 लाख 1 करोड़ जमा कर लो ना, फिर देखो ना। अच्छा एक बात बता, सोशल मीडिया क्या कल गायब होने वाला है? गायब होने वाला है क्या? बाकी कोई भी फिल्म जो है मान के चलो आप देखते हो या कोई भी चीजें देखते हो, क्या गायब हो जाएगा क्या? हेलो, दुनिया भरकर रील्स में आप नौटंकीबाजी देखते रहते हो, साला कभी कोई फेमस हो जाता है, कभी कोई फेमस हो जाता है, वो सबको देख कर मतलब बनता है। कुछ दिन पहले देखा सोशल मीडिया में एक डब्बू अंकल फेमस हो गया था, कौन सा गाना गया था, अभी तो एक सोशल मीडिया में कोई एक बच्चा फेमस हो गया था, स्कूल का जो बच्चा, तो वो जानबूझ के ऐसा करता है कि आप उसमें ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? साला डिस्ट्रैक्ट हम लोग हो रहे हैं, और व्हाट्सएप फेसबुक ये लोग दुनिया भर का पैसा पीट रहे हैं। आपको मालूम है फेसबुक का जो मालिक मार्क जुकरबर्ग जो आया था, दुनिया का टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन है। हेलो, उनका इंटरव्यू सुने हो? एक बार फेसबुक का मालिक का कि भाई सुनना, आप सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा कि फेसबुक का मालिक काम करते समय घड़ी नहीं देखता। अभी अनंत अंबानी और उसकी वो लोग वाइफ आपस में बात कर रहा था, उसको घड़ी पसंद ही नहीं काम करते समय। मैं अगर एक बार काम में रम गया, और सबसे मतलब आश्चर्य की बात होगा कि फेसबुक का मालिक, इंस्टाग्राम का मालिक, व्हाट्सएप का मालिक एक ही है, मार्क जुकरबर्ग। और उसका कहना है कि करीब करीब वो 10 से 12 घंटा काम में रहता है, वो बंदा खुद ही फेसबुक, खुद ही इंस्टाग्राम और खुद ही वो सब चीज नहीं देखता है। अपना हलवाई जैसे खुद मिठाई नहीं खाता है ना, वैसे ही उसका हिसाब किताब है। दुनिया का टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन है, टॉप 5 मतलब कि वो हमारे अंबानी से भी ज्यादा पैसा उसके पास है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो वो डिस्ट्रैक्शन में नहीं गया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, साला जेब में अठन्नी नहीं है, डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो हमारे लीडर के पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, इसलिए वो क्राउन है, प्रिंस है, डायमंड है। आपके पास डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए आप सुपर स्मार्ट सिल्वर गोल्ड में खत्म हो जा रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन की चीजों को खत्म कीजिए। दूसरी बात, कॉम्पिटिशन वाला भावना अबाउट लेवल, लेवल को लेकर कॉम्पिटिशन वाला भावना आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, अपने टीम में पैदा करना पड़ेगा। इट इज क्लियर? यस सर। चलिए